हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द बिटकॉइन बर्नर। तो ये वीडियो होने वाली है कि अपडेट ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड न्यूज़ निकल के आ रही है सबको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में, तो प्लीज़ गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलें। न्यूज़ कवर करने से पहले क्विक अपडेट बिटकॉइन के प्राइसेस के बारे में बहुत सिंपल, आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल और आपको आने वाले टाइम में क्या देखने को मिल सकता है। करंटली सेट $34,764.46 पर ट्रेड करता हुआ हमें बिटकॉइन नज़र आ रहा है। 0.12% से हमें प्राइस अप देखने को मिल रही है। फिलहाल यहाँ पे 130 पे जो 4 आवर चार्ट की कैंडल क्लोजिंग है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अगर वो $34,700 के ऊपर होती है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मार्केट के लिए। उसके बाद आपको बिटकॉइन $35,000 का रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बाद एक और क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन जो है $35,400 से लेकर $36,000 पे बना हुआ है। फिलहाल एक चीज़ नोट करने वाली है, जैसे ही हम मार्केट के ऊपर जाते हैं तो बहुत सारी मूविंग एवरेजेस डेली एंड 4 आवर चार्ट पे बैठी हुई हैं और वहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस जोन बना के बैठी हुई है, जिसके कारण बिटकॉइन को बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल एक सपोर्ट की बात करूँ, $33,600 से लेकर $33,800 एक सपोर्ट लेवल बिटकॉइन के लिए अच्छा खासा बना हुआ है। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज थी जिसका आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारा प्रॉपर बिटकॉइन टीए है एनालिसिस है वो अपने शाम को 5 से लेकर 6:30 बजे के बीच में जो वीडियो होता है उसमें डाल देते हैं, तो अगर आपको उसके प्रॉपर रेफरेंस चाहिए तो प्लीज़ गाइस हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ठीक है। फिलहाल ये तो बात होगी बिटकॉइन की बेसिक नॉलेज के बारे में। अब जंप करते हैं न्यूज़ सेक्शन में। जो सबसे पहली न्यूज़ निकल के आ रही है यूक्रेन की तरफ से निकल के आ रही है। यूक्रेन मेजर ई बैंक मोनोबैंक टू इनेबल बिटकॉइन ट्रेडिंग फीचर्स। जो बेसिकली बात यह है, मोनोबैंक जो है वो लॉन्च करने वाली है अपना डेबिट कार्ड विद बिटकॉइन ट्रेडिंग फीचर्स। और अगर मैं बात करूँ मैं यूरोपियन कंट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पहले भी देखने को मिल रही है और अब हमें देखने को मिल रहा है जो यूरोपियन कंट्रीज़ है और ज़्यादा पोटेंशियल जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट का उसको यहाँ पे उसे बेनिफिट प्राप्त करना चाहती हैं, जो मुझे तो लगता है आने वाले एक लॉन्गर रन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है क्रिप्टो मार्केट के लिए। फिलहाल हमें नो डाउट डिफरेंट यूरोपियन कंट्री से रेगुलेटेड जो सर्विसेज है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से उनका अप्रोच देखने को मिल रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिलहाल जो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है वीज़ा एंड ब्लॉकीफाई लॉन्च 2% बिटकॉइन रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड्स। सो बेसिकली ये जो ब्लॉकीफाई का ये एम था वो हमें 2020 में ही डिस्क्लोज उन्होंने दिसंबर 2020 में डिस्क्लोज किया था और यहाँ पे उन्होंने एक बेसिकली जो वेरीफाइड यूएस बेस्ड क्लाइंट्स हैं उनकी वेट लिस्ट बनी थी, इसमें 4 लाख लोग थे और यहाँ पे जो ब्लॉकीफाई के CEO हैं उन्होंने बोला जो ये क्रेडिट कार्ड हैं वो जुलाई के एंडिंग तक सारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इससे दो चीज़ें हमें ये होते हुए नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रिप्टोज़ की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उसका यूज़ केस बढ़ेगा और हमें आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों के कारण डिमांड भी देखने को मिल सकती है मार्केट में, जिसकी अभी बहुत ज़्यादा कमी हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात हमें देखने को मिल रही है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए, जिसके कारण हमें आने वाले टाइम में फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से निकल के आ रही है। सो बेसिकली गोल्डमैन सैक्स ने बोला है कि इथेरियम पॉपुलैरिटी कुड सी इथेरियम बिकेम डोमिनेंट स्टोर ऑफ वैल्यू और उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ बोली है कि यूज़ केस के मामले में भी सबसे बढ़िया क्रिप्टो करेंसी अभी इथेरियम चल रही है। बहुत सारी चीज़ों ने इथेरियम की तारीफ़ करते हुए बोली और बोला कि आने वाले कुछ सालों में आपको वो बिटकॉइन के ऊपर उसकी जो यहाँ पे वॉल्यूम है बिटकॉइन के ऊपर जाते हुए नज़र आ सकती है। अगर मैं बात करूँ इससे रिलेटेड, मैं पॉपुलैरिटी से रिलेटेड इथेरियम की आपके साथ एक और न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा ऊपर चलते हैं, पहले हेडलाइन आपको समझाता हूँ। सिग्नम बिकेम फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड टू ऑफर इथेरियम टू स्टेकिंग। सो आपको पता होगा जब से इथेरियम 2.0 आने वाला है तब से उसकी पॉपुलैरिटी और हाइप बढ़ती जा रही है और यहाँ पे सिग्नम जो है वो फर्स्ट बैंक बन चुका है, क्रिप्टो बैंक बन चुका है जो इथेरियम 2.2 की यहाँ पे स्टेकिंग को चालू कर रहा है, उनके कस्टमर्स को ये चीज़ प्रोवाइड करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे मैं इथेरियम की आने वाले टाइम में जो उसके डेवलपमेंट्स हो रही है उसके कारण जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है वो देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिलहाल एक सर्वे की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सर्वे 40% ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो इन्वेस्टर इंटेंड टू बाय अ लॉट मोर। सो बेसिकली यहाँ पे एक सर्वे हुआ जिसमें ये पता लगाया गया ये बेसिकली जो सर्वे था कंडक्ट किया गया था लंदन बेस्ड क्रिप्टो फंड निकल डिजिटल एसेट मैनेजमेंट के द्वारा। उन्होंने बताया कि वो रिवील्ड दैट 82% ऑफ 100 इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ मैनेजर पोल्ड एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द एक्सपोजर टू डिजिटल एसेट्स बिटवीन नाउ एंड 2023। तो जो 100 इन्वेस्टर्स में थे 82% थे, यानी कि 82 इन्वेस्टर्स थे। उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में जो अपना एक्सपोजर है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ करने वाले हैं। उनमें से 1% लोग थे जिन्होंने ये बात बोली कि हम अपना जो वो सारी होल्डिंग्स है उसको सेल करने की सोच रहे हैं और यहाँ पे जो 7% लोग थे स्टेटेड दैट दे आर इंटेंट टू रिड्यूस देयर एक्सपोजर, अपने जो एक्सपोजर है क्रिप्टो मार्केट से उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही होगी, जितनी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल डिमांड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, बढ़ते देखने को मिलेगी क्रिप्टो एंड क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट की। तो कहीं ना कहीं ये सर्वे हमें ये बताता है कि आने वाले टाइम में जो फ्यूचर है क्रिप्टो मार्केट का अच्छे रेट से स्टेबल हो जाएगा, जब हम इस टाइम में जहाँ पे लैक ऑफ इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है इन्वेस्टर में, वो पीरियड से हम निकल जाएंगे, उसके बाद हमें और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपके साथ एक कॉन्फर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, बैकवार्डेशन इन बिटकॉइन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट शो प्रो इन्वेस्टर्स लैक कॉन्फिडेंस। नीचे आपके साथ एक इंपॉर्टेंट आपको डिटेल यहाँ पे देना चाहूँगा, वन ऑफ द बेस्ट मेजर ऑफ ऑप्टिमिज्म इन फ्यूचर्स मार्केट प्रीमियम विच मेजर्स द गैप बिटवीन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड करंट स्पॉट मार्केट लेवल्स। यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इन हेल्दी मार्केट 5 to 15% एनुअलाइज प्रीमियम इज एक्सपेक्टेड, हाउएवर ड्यूरिंग द बेरिश मार्केट द इंडिकेटर फेड्स और टर्न्स नेगेटिव, सिचुएशन नोन एज बैकवार्डेशन। तो हमें एक बैकवार्डेशन का सामना करना पड़ा है, जो अगर मैं लेटेस्ट बैकवार्डेशन का जो सामना हमने किया है वो मोस्ट रिसेंट जुलाई 5 को हमें देखने को मिला है। आप ग्राफ में भी यहाँ पे देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है बेसिकली कि यहाँ पे ये लैक ऑफ इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के द्वारा, जो प्रो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स उनके द्वारा, क्योंकि बहुत सारे फंड्स हमें देखने को मिला है। मार्केट जो है काफ़ी कम टाइम में अपने पीक से लेके ऑलमोस्ट आधी वैल्यू गंवा चुका है, जिसके कारण यहाँ पे जो ट्रस्ट है, जो इन्वेस्टर्स का मन है, वो हमें कम देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है धीरे धीरे ही सही, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे जो ये इंटरेस्ट है और जो ये कॉन्फिडेंस है वो वापस आ जाएगा। और जो हमें ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड पॉजिटिव अपडेट्स देखने को मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। वो सारी न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। फिलहाल एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने कल रात को ये बात डाली थी कि यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, कॉइनबेस वेंट फ्रॉम रैंक 1 इन ऐप स्टोर टू नियरली रैंक 300 इन 2 months। तो बेसिकली आप देख सकते हैं क्रिप्टो ऐप रैंकिंग ऑन द ऐप स्टोर इन द US, ये कितना ज़्यादा कम हो गया 2 महीने में। तो कहीं ना कहीं, और उन्हीं 2 महीने में मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जाते हुए देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हम इससे भी इंडिकेट कर सकते हैं अभी मार्केट में जो लोगों का कॉन्फिडेंस है वो कम है, जिसके कारण हमें ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही है। नो डाउट ये बहुत ज़्यादा हम इसको रिलेट नहीं कर सकते, पर ऐसे डेटाज कहीं ना कहीं हमें सजेस्ट करते हैं, और ये डेटा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ गाइज, आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलें। फिलहाल यहीं तक थी मेरी वीडियो, मैंने सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड न्यूज़ आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करी समझा सकूं। होप्स आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताओ कि आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में कितना टाइम लग सकता है मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट वापस आने में, वो भी बहुत ज़्यादा क्रूशल है ये सारी चीज़ें जानना। तो बाकी कमेंट सेक्शन भाई बिल्कुल आपका है, आप जिसको आपको जो कमेंट करना है आप कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा काम कर दो, अगर ये सब कर दिया तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलो, बेल आइकन को दबा के ऑल कर दो ताकि टाइम टू टाइम को नोटिफिकेशंस आती रहे। और हमारा जो डोजकॉइन एनालिसिस वीडियो होता है, क्रिप्टो एनालिसिस वीडियो होता है, बिटकॉइन एनालिसिस वीडियो होता है, वो हम शाम को 5 से लेकर 6:30 बजे तक के बीच में डालते रहते हैं, तो उसको जो इसलिए उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखना। तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।